आप लोग काफ़ी देर से बेचैनी है दोस्तों कि एम आई फोन्स के अंदर ऐसी क्या गुप्त सेटिंग है जो हमको पता नहीं है। जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए। जिस सेटिंग के बारे में दोस्तों हम बात करना चाह रहे थे दोस्तों, जिसका नाम था हाइड एन ऐप्स। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जो डिस्प्ले पर का जो आइकन है दोस्तों, आप उसको हाइड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आसानी से कर सकते हैं। आपको एम आई फोन्स के अंदर ये सेटिंग फीचर्स दिए गए हैं दोस्तों। आपको सेटिंग किधर है, कैसे सेट करना होगा दोस्तों, इसे देख जानने के लिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप भी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें। आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग में दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको देख रहे होंगे यहाँ पर ऐप लॉक का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप पहले से ऐप लॉक लगाए हुए होंगे अपने फ़ोन में, तो वो ऐप लॉक यहाँ पर डाल लीजिएगा। अगर जो नहीं लगाए होंगे तो यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। चलिए हम सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप एम आई अकाउंट लॉगिन किए हुए रहेंगे तो आप आपसे मांगा जाए कि ऐड कर सकते हैं या तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम नहीं ऐड करते हैं, नोट नो पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। चलिए हम नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर में देख रहे होंगे एक सेटिंग का आइकॉन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हाइडन ऐप्स का एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, आपको इसको सिंपल से चालू कर देना होगा। चालू करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जो लिखा होगा माइनस हाइडन ऐप्स, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आ चुका है, जिस आप एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं। चलिए हम आपको हाइड करके एप्लीकेशन को दिखाते हैं। चलिए पहले होम स्क्रीन में दिखा देते हैं कौन कौन सा आपको आइकॉन हाइड करना है। अब देख सकते हैं दोस्तों हमको इतना सारा एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में। देखिए आपको बता देते हैं हम कौन कौन सा हाइड करना चाहेंगे। देखिए जैसे कि हमको एक फ्लिपकार्ट हाइड करना है दोस्तों, मैक्स प्लेयर को हाइड करके दिखाएंगे आपको दोस्तों, एक भीड़मेट हाइड करके दिखाएंगे दोस्तों। चलिए हम वहाँ पर चलते हैं, पैटर्न डाल लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको बोले थे कि फ्लिपकार्ट एक हाइड करेंगे दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर देना होगा, आपको देख रहे होंगे साइड में, इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बताए थे गेम गेमिंग का एप्लीकेशन है वो हाइड करेंगे दोस्तों, चलिए हम इसको भी हाइड कर देते हैं। आपको बता दें दोस्तों एक मैक्स प्लेयर भी हम हाइड करना चाहेंगे दोस्तों, इसको भी देखिए हम चालू कर देते हैं। चालू करने के बाद दोस्तों आपको बैक चले आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं कहीं भी डिस्प्ले पर आपको आइकॉन्स दिखने नहीं मिलेंगे, कहीं भी देख सकते हैं आप आइकॉन्स नहीं शो करेगा। आप बोलिएगा दोस्तों कि इसको आप देख सकते हैं कैसे, आपको सिंपल सी डिस्प्ले पर से लॉक जब खोलिएगा, खोलने के बाद आपको दोनों तरफ स्वाइप अप करना है। जिस तरह आप फोटो को जूम करते हैं उस तरह आपको यहाँ पर बीच में कहीं से पर भी जूम करना होगा दोस्तों। जूम करने के बाद दोस्तों जो ऐप लॉक आप लगाए थे वही ऐप लॉक आपसे मांगा जाएगा। चलिए हम ऐप लॉक डाल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो जो हम हाइड ऐप्स किए थे वो उसका उसका आइकॉन शो कर रहा है दोस्तों। आपको उम्मीद है दोस्तों आप लोग भी सीख गए होंगे, अपने फ़ोन में ज़रूर सर एक बार सेटिंग करके देख लीजिएगा। EMI के अलावा दोस्तों आपके पास दूसरे भी फ़ोन है, जैसे कि रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, इससे वगैरह जितने भी फ़ोन है दोस्तों, इसमें भी चाहते हैं दोस्तों कि हम एप्लीकेशन को हाइड करें, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि हम उसके लिए भी वीडियो जल्द से जल्द आपको बना के दें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब मैं वीडियो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए।